हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। देखिए, इससे पहले हमने दो नियम कंप्लीट कर लिए थे, नियम 1974 और उसके बाद में समितियों की कार्य शक्तियाँ वाला नियम 2009। ठीक है, हमारा आज तीसरा नियम है और ये अंतिम नियम भी है। तीन नियम थे, उसमें से दो कंप्लीट हो गए, आज ये हमारा अंतिम नियम है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। अब इसमें कुल 22 धाराएँ, कितनी धाराएँ इसमें, कुल 22 धाराएँ हैं। पहले नियमों की तरह ही इस नियम को बनाने के लिए किन किन धाराओं की शक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21, 52 और 337। कौन कौन सी धाराओं का प्रयोग किया है, धारा 51, 52 और 337। तो उसमें भी दोनों नियमों के अंदर तीन तीन धाराएँ थी, इसमें भी तीन धाराएँ 51, 52 और 337 का प्रयोग जो है, इनकी शक्तियों का प्रयोग जो है उस नियम को बनाने के लिए किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी धाराएँ, कुल 22 धाराएँ, जैसे उसके अंदर एक में 6 थी और एक के अंदर 14 थी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपन को, सॉरी 17, इसमें क्या करना है अपन को, धारा 1 और 2 तो सेम याद रखना है। कैसे, जैसे उसमें भी मैंने आपको दोनों नियमों में बताया था कि जो पहली धारा थी उसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ था, और दूसरी धारा थी उसमें परिभाषाएँ थी। ठीक है, सेम चीज़ इसमें है कि पहली धारा में तो क्या है, संक्षिप्त नाम, यानी कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो क्या है इसका संक्षिप्त नाम, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। और इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 11 नवंबर 2009 को इसका प्रारंभ हुआ। अब दूसरे में क्या है, परिभाषाएँ, परिभाषाओं के अंदर उन दोनों नियमों में तीन तीन परिभाषाएं थी। ठीक है, इसमें कितनी परिभाषाएं, क्योंकि आखिरी है तो याद रखिएगा कि कार्य का संचालन करना है एक बहुत बड़ा काम है, कार्य संचालन करना एक बहुत बड़ा काम है, तो उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा परिभाषाएं, तो तीन तीन दोनों में थी और इसमें दो और एक्स्ट्रा जोड़ के 5 परिभाषाएं। ठीक है, क्या क्या परिभाषाएं हैं मैम, तो देखिए अधिनियम, हमने जो पिछला नियम पढ़ा था समितियों की शक्तियाँ कार्य वाला, उसमें भी अधिनियम शब्द था और धारा थी। ठीक है, इसमें सेम चीज़ है, अधिनियम भी है इसके अंदर। ठीक है, तो अधिनियम से क्या तात्पर्य है कि नगरपालिका एक्ट 2009 वाला जो अधिनियम है उसका तात्पर्य है। नगरपालिका से क्या तात्पर्य है, तो मैंने आपको जब नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ाया था तब भी बताया था कि जहाँ नगरपालिका शब्द आ जाए उस अधिनियम के अंदर, जो मैंने NP Act 2009 पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जहाँ नगरपालिका शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नगरपालिका की बात कर रहा है, उसमें नगरपालिका भी इंक्लूड है, नगर परिषद भी है और नगर निगम भी है। तो जहाँ नगरपालिका शब्द, इसका मतलब उसमें तीनों जो स्थानीय निकाय है वो इंक्लूड है। बैठक, बैठक का मतलब क्या है कि जो धारा 51 के अंदर जो हमने देखी थी नगरपालिका की बैठकें, तो बैठक से तात्पर्य है कि धारा 51 में जिस नगरपालिका की बैठकों का जो वर्णन किया गया है वो है। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी शब्द जहाँ आएगा उसका अर्थ है वहाँ का नगरपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि उस स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है तो वो सब मेंबर अपने में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष का चयन करते हैं जो उसका कार्यवाहक अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी का मतलब हो जाएगा अध्यक्ष, नहीं तो उपाध्यक्ष, नहीं तो एक उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, फिर एक शब्द आता है प्रस्ताव, कि अगर कहीं पर भी प्रस्ताव शब्द का मतलब आता है, उसका मतलब क्या होगा कि सदस्यों के द्वारा लाया गया कोई भी संकल्प, प्रस्ताव या कोई भी संशोधन क्या कहलाएगा, प्रस्ताव कहलाएगा। तो इसके अंदर तीन परिभाषाएं हैं, सबसे पहले अधिनियम किसका, नगर पालिका का, उसकी बैठक के बैठकों का पीठासीन अधिकारी और बैठकों में लाए जाने वाला प्रस्ताव। ठीक है, फिर धारा 3, देखिए दो तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको सीधी सीधी याद रहेगी कि एक में क्या है और दो में क्या है, बस आपको ये याद रखना है परिभाषाएं किस में कौन कौन सी परिभाषा है, उसमें आपको तीन तीन याद रखनी थी, इसमें दो एक्स्ट्रा याद रखनी है। फिर हम 3 से देखते हैं, तीसरे में है धारा 3 में नगर पालिका की बैठक, हमने धारा 51 पढ़ी थी। ठीक है, धारा 51 हमने पढ़ी थी तभी सारी बातें मैंने आपको सब बता दी थी, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि धारा 51 में भी हमने चीज़ पढ़ा था कि नगरपालिका की बैठकें, यानी कि नगरपालिका की बैठकों का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा या कितनी प्रकार की बैठकें होती है। ठीक है, तो धारा 3 के अंदर क्या है, यहाँ पर वहाँ पर तो धारा 51 थी, ये धारा 3 इसकी है, इस नियम की धारा 3 है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, धारा 51 में नगरपालिका एक्ट 2009 का बता रही हूँ और इसकी नियम की धारा 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि नगरपालिका की जो बैठकें हैं वो 60 दिन कह लीजिए, 2 महीने कह लीजिए, 2 महीने में एक बार, तो 6 महीने में कितनी बार हो, साल भर में कितनी बार हो गई, 6 बार, तो
2 महीने में एक बार इसकी बैठकों का आयोजन किया जाता है या वर्ष में 6 बार किया जाता है। बैठकें कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की बैठकें होती है, एक तो साधारण बैठक होती है, एक विशेष बैठक होती है। जो साधारण बैठक होती है उसकी दो उसका तो 2 महीने में एक बार किया जाता है, ठीक है, ये तो साधारण बैठक है। लेकिन अगर विशेष बैठकों का आयोजन करना हो तो बुलाता कौन है विशेष बैठक? अध्यक्ष बुलाएगा, ठीक है, बुलाएगा कौन? अध्यक्ष। जब उसके नगरपालिका के 1/3 सदस्य संकल्प पारित कर दे तो 7 दिन के अंदर अध्यक्ष विशेष बैठक का आयोजन करता है। अगर 1/3 सदस्य संकल्प पारित कर दे, अध्यक्ष फिर भी 7 दिन के भीतर विशेष बैठक का बैठक नहीं बुलाता है तो फिर CMO के द्वारा 10 दिन के अंदर बुलाई जाती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि विशेष बैठक बुलाता कौन है, कि अध्यक्ष बुलाता है मैम। तो 1/3 सदस्यों के संकल्प पारित करने पर बुलाता है 7 दिन के भीतर। 7 दिन में भी अगर अध्यक्ष नहीं बुलाया तो फिर CMO बुलाता है 10 दिन के भीतर, ठीक है। बैठक जो है वो हमेशा नगरपालिका के कार्यालय में होगी, यानी कि जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके कार्यालय में होगी। ऐसा नहीं कि आपके घर, मेरे घर या किसी के भी, कोई कह दिया कि चलो आसो होटल में बैठक कर लेते हैं, नहीं, बैठक हमेशा कार्यालय में होती है, ठीक है। किसमें होगी? कार्यालय में होगी। अध्यक्षता कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। पीठासीन अधिकारी का मतलब मैंने अभी बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। जनता को इन बैठकों में भाग लेने का पूरा हक है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जनता इन बैठकों में भाग ले सकती है, नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई सीक्रेट बैठक है, ठीक है, और वो बात जनता तक नहीं जानी चाहिए, तो अध्यक्ष क्या कर सकता है? पीठासीन अधिकारी जो हो सकता है वो जनता को भाग लेने से रोक सकता है। वैसे भाग लेने का अधिकार है, लेकिन अगर वो सीक्रेट बैठक है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जनता को भाग लेने से रोक सकता है, ठीक है। धारा 4 के कहती है कि हमने नगरपालिका की बैठक की तो बैठक करने के लिए, तो बैठकों के प्रकार हो गए, किस किस प्रकार की बैठक होती है, तो बैठकों की सूचना भी तो देनी होगी, ठीक है। तो 3 में बैठक की और 4 में क्या है? उसकी सूचना है। सूचना क्या? कि बैठक का स्थान क्या होगा, तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, कार्यसूची क्या होगी, मतलब उसमें किस किस कार्यों पर बात की जाएगी, ये सब साधारण बैठक के तो 6 दिन पहले, साधारण बैठक की 6 दिन पहले। और विशेष बैठक अगर बुलाई जाती है तो इमरजेंसी में बुलाई जाती है, तो विशेष बैठक के 48 घंटे पूर्व सूचना देनी होती है। विषय क्या होगी इनके बैठकों के, कि स्थान क्या होगा, तारीख क्या होगी, समय क्या होगी, कार्य की सूची क्या होगी। अगर साधारण बैठक है तो 6 दिन पहले सूचना देनी होगी, और विशेष बैठक है तो 48 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी, ये याद रखना आपको, ठीक है। और सूचना जो है वो हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षर कौन करेगा? जो अध्यक्ष होगा वो करेगा, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी होगा। और सूचना कैसे भेजी जाएगी? तो डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है, अन्य रीति से भी भेजी जा सकती है, ठीक है। धारा 5 क्या कहती है? कि बैठक की कार्यसूची, यानी कि जो बैठक का हम आयोजन कर रहे हैं उसमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं, उसका एजेंडा क्या रहेगा, तो उसकी पहले ही कार्यसूची तैयार कर ली जाती है। किसके द्वारा? CMO के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो CMO के द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन अनुमति किसकी होती है? तो अध्यक्ष की होती है। धारा 6 क्या कहती है? कि प्रश्न पूछने की संपूर्ण प्रक्रिया, देखिए पहले हमने बैठक बुलाई, बैठकों की सूचना दी, सूचना देने के बाद में उसकी सूची, कार्यसूची का निर्माण किया, उसके बाद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का निर्धारण किया कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पूछेगा कौन? सदस्य पूछेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि प्रश्न बस प्रशासन संबंधी होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रश्न हमेशा प्रशासन संबंधी होने चाहिए। पूछे किससे जाएंगे? अध्यक्ष से पूछे जाएंगे, ठीक है, अध्यक्ष से पूछे जाएंगे। अध्यक्ष जो है वो 15 दिन के अंदर उसको लिखित उत्तर दे सकता है, किसी भी सदस्य को 15 दिन के अंदर लिखित उत्तर दे सकता है। मान लीजिए 15 दिन में उसने लिखित उत्तर नहीं दिया तो जो आगामी बैठक है उसमें वो मौखिक उत्तर भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है 7। 7 में बैठक की गणपूर्ति। 7 में क्या है? बैठक की गणपूर्ति। 7-7 हम 7-7 बैठक में भाग लेने जाएंगे तो 7-7 गणपूर्ति करेंगे, ठीक है। तो गणपूर्ति में क्या आ जाएगा कि संपूर्ण संख्या का, यानी कि जो भी नगरपालिका की संख्या होगी उसका 1/3 क्या होगी? गणपूर्ति होगी, ठीक है। उसके बाद में 8। 8 में क्या होगा कि अगर गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो क्या बैठकों को स्थगन कर देंगे? नहीं, मान लीजिए कोई नियत समय है, ठीक है, मान लीजिए नियत समय कर रखा था कि 9 बजे बैठक आयोजित की जानी है, तो नियत समय के 1 घंटे पश्चात तक गणपूर्ति हो जानी चाहिए, यानी कि 10 बजे तक सब व्यक्ति आ जाने चाहिए, जितनी गणपूर्ति होनी उतने व्यक्ति आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो नगरपालिका के द्वारा है, जो समय निर्धारित किया गया है उसके 1 घंटे तक सभी व्यक्ति इकट्ठे हो जाने चाहिए, ठीक है, 1 घंटे तक गणपूर्ति होना आवश्यक है। मान लीजिए 10 बजे तक भी गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो जो उपस्थित सदस्य है वो 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसको 10 से क्या कर सकते हैं? 11 कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं।
स्थगित होने पर अध्यक्ष क्या करता है, अगले तारीख और समय घोषित करता है। मान लीजिए 11 बजे तक भी पूरी गणपूर्ति नहीं हुई तो उसको स्थगित कर देता है कौन, अध्यक्ष, और अगले तारीख और समय की घोषणा करता है। तो गणपूर्ति तय जो समय होता है उसके 1 घंटे बाद तक पूरी होनी चाहिए, ठीक है, और उसको उपस्थित सदस्य 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, फिर भी नहीं होती है तो स्थगित कर देता है कौन, अध्यक्ष, और अगली तारीख और समय घोषित करता है। फिर गणपूर्ति भी हो गई मान लीजिए, तो फिर वो निर्णय, जो भी निर्णय लेंगे बैठक के अंदर कैसे लेंगे, तो निर्णय हमेशा बहुमत से लिए जाएंगे, यानी कि उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से क्या लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे। अध्यक्ष कब मत देगा, अध्यक्ष जो बराबर मत हो जाए तो सिर्फ निर्णायक मत ही दे सकता है, अध्यक्ष केवल निर्णायक मत ही दे सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या, एक में नाम, दो में परिभाषाएं, तीन में हमने बैठक की, बैठक की सूचना दी, फिर बैठक की कार्यसूची और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को हमने निर्धारित किया, फिर साथ साथ में गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो उसका स्थगन, और अगर गणपूर्ति पूरी हो गई तो फिर निर्णय किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 10। 10 में है मत देने के लिए प्रस्ताव रखने का ढंग। जैसे गणपूर्ति पूरी होगी तो हम निर्णय करें, निर्णय तो हमेशा बहुमत से होगा, लेकिन निर्णय करेंगे कैसे, उसको मतलब उसमें वोटिंग किस प्रकार से करेंगे, तो निर्णय देने के लिए वोट किस प्रकार करेंगे, तो जो अध्यक्ष कह देगा कि जो पक्ष में है वो हाथ खड़े करे या जो विपक्ष में है वो हाथ खड़े करे, तो ऐसे वो गिनकर क्या करेगा, मतों की गणना करेगा, ठीक है। तो मत देने के लिए प्रस्ताव रखने का जो ढंग है वो किसमें है, 10 के अंदर है, ठीक है। 11 में क्या है, बैठकों का कार्यवृत्त। कार्यवृत्त का मतलब होता है विवरण, कि देखिए उसमें हमने पहले तो क्या पढ़ा था, कार्यसूची पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि बैठक होने से पहले उसकी क्या क्या कार्य करना है उसकी सूची तैयार करना, और 11 के अंदर है बैठक होने के बाद में उसमें क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ उसका विवरण तैयार करना, ठीक है। तो करेगा कौन, सीएमओ के द्वारा लिखित किया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा, तो लिखेगा कौन बैठक का कार्यवृत्त, सीएमओ लिखेगा और देवनागरी लिपि हिंदी में लिखेगा, और 3 दिन बैठक खत्म होने के 3 दिन बाद, 3 दिन के भीतर कंप्लीट करेगा, और उस पर पीठासीन अधिकारी और सीएमओ दोनों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब जो उसने विवरण तैयार किया उसकी 3 सूचियाँ तैयार करेगा, एक तो स्थानीय निकाय यानी कि जिससे संबंधित है उसके निर्देशक को भेजेगा, उसके बाद में एक नगर निगम के आयुक्त को और एक कलेक्टर को भेजेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 12 में बोलना, यानी कि बोलने पर कतिपय, कि आप हर कुछ ही नहीं बोल सकते, बोलने पर कतिपय प्रबंधन निर्बंधन, यानी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मान लीजिए कोई है न्यायालय में, कोई मामला लंबी चल रहा है, या फिर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, या किसी की गरिमा को ठेस पहुँचने जैसे शब्द नहीं बोल सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले बोल नहीं बोल सकते, या किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार नहीं बोल सकते। तो बोलने पर जो निर्बंधन है वो किसमें है, 12 से बोलना। 13, देखिए बोलना, बोल नहीं सकते, हर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन भाषण दे सकते हैं। तो भाषण की अवधि क्या होगी, कि पीठासीन अधिकारी के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किसी व्यक्ति को कब तक बोलने का मौका देगा, तो किस पर डिपेंड करता है, पीठासीन अधिकारी के विवेक पर। 12 में बोलना, 13 में भाषण, ठीक है। और 14 के अंदर हित, 14 में हित, यानी कि मान लीजिए कोई बैठक हो रही है उसमें किसी को हम बात कर रहे हैं, किसी को क्या देना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना है। मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट कोई व्यक्ति है, या तो खुद अध्यक्ष है या फिर उसका कोई सदस्य है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के परिवार के लोग ले रहे हैं, मान लीजिए उसका भाई ले रहा है या उसके कोई परिवार के लोग वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो हित उसमें उसका भी हित है, उसके परिवार का अगर उसमें शामिल हो रहा है तो उसमें उसका हित है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कोई सदस्य हो। तो उस बैठक के अंदर उस व्यक्ति को, चाहे वो अध्यक्ष हो सदस्य हो, अगर उससे वो इससे हित रखता है, उस विषय से हित रखता है, तो उसके उस बैठक में शामिल होने पर या फिर मत देने पर रोक लगाई जा सकती है, कि अगर वो उस बैठक में किसी भी प्रकार का परिवार की तरफ से किसी प्रकार का हित रखता है तो उसकी बैठक में भाग लेने पर या मत देने पर रोक लगाई जा सकती है। तो 12 में बोलना, 13 में भाषण और 14 में हित, ठीक है। 15 में क्या है, कि दिन के कार्यक्रम सामान्य कार्यसूची तैयार करना, कि दैनिक कार्यक्रम जो है उसकी सामान्य सूची तैयार करना किसमें है, 15 के अंदर है, दैनिक कार्यक्रमों की सूची 15 के अंदर है। और 16 में क्या है, उन सूची के अनुसार किए जाने वाले कार्य, यानी कि बैठक में किए जाने वाले कार्य, ये कार्यसूची के विषयों पर विचार करना, और अन्य विषय, कोई लोकहित में अगर कोई विषय है तो जो सदस्य है उनके 3/4 बहुमत से पीठासीन अधिकारी की आज्ञा से वो कोई विशेष विषय है उसको भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है।
फिर 16-17 के अंदर आ जाएगा बैठकों का निलंबन। पहले 15 में कार्यसूची और कार्यसूची के अनुसार किए जाने वाले कार्य 16 में, 17 में क्या है खतरा है, यानी कि बैठक पर खतरा है। कैसा खतरा है कि बैठक का निलंबन किया जा सकता है। कारण बताया मैंने, कोई मान लीजिए गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगन कर देगा, या फिर कोई अन्य कारण हो गया कि उसको बैठकों के कारण समाप्ति करना पड़ रहा है, निलंबित करना पड़ रहा है, तो करेगा कौन, पीठासीन अधिकारी करेगा। और फिर वो उसकी अगली तिथि यानी कि अगली बैठक कब होनी है उसकी किसी मतलब किसी भी समय तक या किसी भी तारीख तक उसको निलंबित कर सकता है, ठीक है। 18 में क्या आएगा, व्यवस्था बनाए रखना। 17 में निलंबन क्यों, 18 में व्यवस्था नहीं रखी इसलिए। तो व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है, पीठासीन अधिकारी का काम है, और वो उसके लिए पुलिस की मदद भी ले सकता है, ठीक है। 19 में आ जाएगा बैठक में विशेषज्ञों को बुलाना कि व्यवस्था बनाए रखना। व्यवस्था अगर मान लीजिए विशेषज्ञों को व्यवस्था, फिर 19 के अंदर विशेषज्ञ बुलाना। व्यवस्था हम किससे रखेंगे, विशेषज्ञों को बुलाकर रखेंगे। तो कोई किसी विशेष संबंधित कोई विशेषज्ञ है, स्थानीय कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको भी बुलाने की शक्ति कौन रखता है, तो पीठासीन अधिकारी रखता है। सलाह किसकी होगी, पीठासीन अधिकारी की होगी। बुलाएगा किस लिए, सलाह के लिए बुलाएगा। विशेषज्ञ को किस लिए बुलाया जाएगा, सलाह के लिए बुलाया जाएगा। बुलाएगा कौन, पीठासीन अधिकारी बुलाएगा। फिर 20 के अंदर आता है बैठक को आहूत करना, ठीक है। देखिए 17 में खतरा था निलंबित करने का, क्योंकि व्यवस्था बनाई नहीं रखी। व्यवस्था बनाने के लिए विशेषज्ञ बुलाएंगे, और विशेषज्ञ बुलाकर हम बैठक को क्या करेंगे, आहूत करेंगे, यानी कि बैठक प्रारंभ करेंगे। तो बैठक का प्रारंभ करने का काम किसका है, पीठासीन अधिकारी का है। किसके आदेश से करेगा, तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार बैठक बुलाएगा कौन, पीठासीन अधिकारी। और किसी विषय को कार्यसूची में शामिल करने के लिए भी वो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेगा, ठीक है। फिर 21 में आता है नगर पालिका की शक्तियों व अभिलेखों की अभिरक्षा, यानी कि नगर पालिका की जो कार्यवाहियाँ है, जो भी नगर पालिका कार्य करती है या उसके जो भी रिकॉर्ड है, जो भी अभिलेख है, उनकी रक्षा करना सीएमओ का कर्तव्य है। ये हमने पहले जो नगर पालिका अधिनियम उसकी धारा में पढ़ा था कि रिकॉर्ड रखना, मानचित्र बनाना, ये सब किसका कार्य था, सीएमओ का, ठीक है। तो रिकॉर्डों की और कार्यवाहियों की रक्षा करना किसका कार्य है, सीएमओ का। धारा 22 क्या कहती है, निरसन। इससे पहले वाला जो हमने नियम पढ़ा था उसमें भी अंतिम नियम क्या था, निरसन, यानी कि पहले वाला कोई एक्ट, इसकी जगह पहले एक्ट चलता था, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974, उसके स्थान पर राजस्थान कार्य संचालन नियम 2009 प्रारंभ किया गया। तो किसके स्थान पर किया गया, 1974 वाले नियम के स्थान पर किया गया, ठीक है। तो 22 वाला तो आपको ऐसे याद रखना है कि अंतिम है, अंतिम के अंदर क्या है, निरसन है, यानी कि वो पहले एक्ट चलता था उसके स्थान पर अभी ये एक्ट चलता है। पहले वाला ऐसे याद रखना है, लास्ट वाला ऐसे याद रखना है। स्टार्टिंग के दो आपको याद ही रह जाएंगे, नाम और परिभाषा, और लास्ट का आपको निरसन से याद रहेगा। बीच के आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, एक में नाम, दो में परिभाषा, तीन के तीन से याद रखना है, पढ़ी क्या रहे, बैठक बढ़ रहे। सबसे पहले हम तीन में बैठक करेंगे, ठीक है। बैठक की पहले सूचना देनी होगी और बैठक की कार्यसूची भी तैयार करनी होगी। पहले सूचना देंगे, भाई आइए सब, ठीक है। फिर बैठक की कार्यसूची तैयार करेंगे, प्रश्न पूछना कैसे पूछेंगे वो तैयार करेंगे, फिर उसकी गणपूर्ति निर्धारित करेंगे। गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो उसको स्थगन कर देंगे, और गणपूर्ति पूरी हो गई तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के लिए किस रीति का प्रयोग करेंगे, वो 10 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 के अंदर निर्णय लेने के बाद में कोई बैठक कंप्लीट हो गई तो उस बैठक में क्या क्या काम किया हमने, उसका विवरण तैयार करेंगे। विवरण तैयार करने के बाद में 12 में बोलना, 13 में भाषण, और 14 में हित। 15 के अंदर दैनिक कार्यक्रम, और 16 के अंदर उन दैनिक कार्यक्रमों के अनुसार बैठक में कार्य करना। 17 में खतरा किस पर, बैठक के निलंबन का खतरा। क्यों हुआ खतरा, क्योंकि व्यवस्था नहीं बनाई, तो व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका, पीठासीन अधिकारी का। व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह एक विशेषज्ञ बुलाएगा, और विशेषज्ञ बुलाकर बैठक को आहूत करेगा, बैठक को बुलाएगा, यानी कि बैठक प्रारंभ करना। और 21 में क्या करेगा, बैठक का रिकॉर्ड रखा जाएगा, रखेगा कौन, सीएमओ रखेगा। 22 में निरसन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आपको क्लास पसंद आ रही है, क्योंकि लाइक्स कम होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको क्लासें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए, और क्लासें पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे नियम कम्प्लीट हो चुके हैं, और अधिनियम 2009 की धाराएं भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 3 चैप्टर बचे, इसके बाद वो भी करवा देंगे। और कल से हम योजनाएं की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 8 योजनाएं हैं, तो वो भी 8 दिन में, एक एक रोज की योजना लेंगे तो 8 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कल से हम योजनाएं स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके साथ के साथ वो 3 जो बचे हुए हमारे अध्याय वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।